हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे घनीय एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या की, यानी जो घनीय एकक कोष्ठिकाएं हैं आपकी उनमें कणों की संख्या कितनी होती है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 7 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं पढ़ी थी और उनमें इकाई सेल के रूप देखे थे, जैसे हमने SSC, किसी में SSC देखी थी, किसी में FCC और किसी में BCC। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे घनीय की और एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या। तो आपको पता है जो घनीय एकक कोष्ठिका थी उसमें 3 प्रकार के क्रिस्टल जा लगते हैं आपके। एक था आपका SSC, दूसरा था आपका BCC और तीसरा था आपका FCC। तो आपकी जो घनीय एकक कोष्ठिका थी उसमें 3 प्रकार के क्रिस्टल जा लगते, एक SSC, दूसरा BCC और तीसरा FCC। ECC का क्यों अध्ययन नहीं कर रहे, क्योंकि घनीय एकक कोष्ठिका में आपका ECC नहीं था और आपके सिलेबस में भी क्या है, SSC, BCC और FCC। तो पहले हम बात करते हैं SSC की। तो SSC का नाम क्या होता है, आग घनीय एकक कोष्ठिका। आग घनीय एकक कोष्ठिका, जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट में SCC। तो घनीय, इसके अंदर पहले जो हमने इकाई सेल पढ़ी थी उसके 4 प्रकार पढ़े थे कणों की व्यवस्था के आधार पर, कि जो आपका SSC होता था उस पर कोनों पर परमाणु होते थे, BCC होता था उसके कोने पर होते थे और साथ साथ का होता था आपके केंद्र पर होता था, FCC में क्या होता था कोनों पर होता था और उसके साथ साथ फलक के केंद्र पर होता था। अब जो आपका यहाँ पर घनीय किस लिए लग गया है, क्योंकि हम अध्ययन किसका कर रहे हैं, घनीय वाली ईट का कर रहे हैं, यानी घनीय के अंदर जो आपका SSC था, BCC था, FCC था, हम उनका ईट का अध्ययन कर रहे हैं। और घनीय किस लिए लगा दिया है कि आपको पता होना चाहिए कि जो ये FCC क्रिस्टल जालक है वो SSC का है। और अगर मैं यहाँ लिखता आग तिर्णताज एकक कोष्ठिका, या से यहाँ लिख देता मैं तिर्णताज, तो जी SSC किसको हो जाता, तिर्णताज एकक कोष्ठिका का, यानी इसकी संरचना किस में होगी, तिर्णताज में। लेकिन अभी यहाँ पर क्या लिखा है, घनीय, तो इसकी संरचना किस होगी, घनीय में। तो हम बात करेंगे घनीय एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या की। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखे थे कि किसी में कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं, किसी के सेंटर में होता है, किसी के फलक के केंद्र पर होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कुल कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि कौन सी एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। तो यहाँ लिखा है कणों की संख्या, घनीय एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या। तो आपको पता है कण के होते थे आपके कर परमाणु, कोमाणु और कोमा आयन। तो हमारे कण के हो सकते हैं कोनों पे परमाणु, अणु, आयन। तो पहले हम बात कर रहे हैं SSC यानी आग घनीय एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या की। तो SSC की आपको पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने क्या बताया था, कणों के आधार पर एकक कोष्ठिका की संरचना बनाई थी। तो इसमें क्या होता था आपका SSC किसे कहते थे, याद आ रही होगा आपने अगर पिछली वाली वीडियो देखी है, कि जिस एकक कोष्ठिका में प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित होते थे उसे हम क्या कहते थे, SSC एकक कोष्ठिका कहते थे, SSC क्रिस्टल जालक कहते थे। तो प्रत्येक कोने पर क्या होते थे परमाणु उपस्थित। तो ये आपका क्या है, SSC का क्रिस्टल जालक है। मगर SSC ये काय का है, घनीय का, क्योंकि इसमें घनीय लिखा है। तो आपको याद रखना है SSC किसका, घनीय का। तो SSC किसे कहते हैं, जिस एकक कोष्ठिका के, जिस क्रिस्टल जालक के प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित होता है उसे SSC का क्रिस्टल जालक कहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कणों की संख्या, यानी जो कुल परमाणु इसमें कितने होते हैं, किसमें, SSC में। तो उसके जो SSC होता है इसके प्रत्येक कोने पर परमाणु कितने होते हैं आपको पता है, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो फॉर्मूला होता है आपका कणों की संख्या बराबर, तो हम किसकी निकाल रहे हैं, SSC में। तो आगे SSC लिख रहे हैं, SSC में कणों की संख्या बराबर, कणों की संख्या बराबर कोनों पर कणों की संख्या, कोनों पर कणों की संख्या
और इन टू। एस एस सी में कणों की संख्या बराबर कोनों पर कणों की संख्या, और गुणा में क्या आता है आपका एक कण का योगदान, यानी जो कोने पर कण है उसका योगदान कितना है, एक कण का योगदान। तो नीचे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है, एक कण का योगदान। तो ये क्या है आपका एसएससी का क्रिस्टल जाल है, इसके प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित होता है। तो जो प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित होता है इसका प्रत्येक भाग कोने पर नहीं आ पाता, जो कोने पर कण होता है इसका प्रत्येक भाग ऊपर नहीं आ पाता है। हमने जो देखा है एक्सपेरिमेंट करके, इसका जो भाग होता है 1/8 भाग होता है, यानी प्रत्येक जो कोने पर कण होता है उसका जो कोने पर हिस्सा आ रही होता है वो 1/8 होता है, बाकी कुछ इधर लटको होता है, कुछ इधर लटको होता है, कुछ इधर लटको होता है। जैसा आपका ये एक डिब्बा है, तो ये क्या, ये डिब्बे का क्या है कोना। अब इस कोने पर मैं क्या रखूँ, मार्कर का ये रख दूसरा, तो जरा सा बाकी तो इस कोने को टच कर रहा है और बाकी भाग कुछ इधर लटक रहा है, कुछ इधर लटक रहा है, कुछ इधर लटक रहा है, कुछ इधर लग रहा है। यानी इस कोने पर कोई परमाणु रखूँ, कोई चीज़ रखूँ, तो थोड़ा सा ही भाग इस कोने पर आएगा, बाकी इतना भाग इधर लटकेगा, इधर लटकेगा, इधर लटकेगा, इधर लटकेगा। तो हमने जो इसकी संरचना देखी किसकी देखी, एसएससी की, जो कोने पर परमाणु होते थे, तो ये पूरा परमाणु कोने पर नहीं होता था, इस प्रत्येक जो परमाणु होता था उसका 1/8 यानी 8वां भाग कोने पर होता था। तो आपको याद रखनी है जो एसएससी पे कोने में परमाणु होते हैं उसका पूरा भाग नहीं होता, कितना भाग होता है 1/8 भाग कोने पर होता है। तो प्रत्येक परमाणु कितना भाग होता है 1/8, प्रत्येक परमाणु कितना भाग होता है कोने पर 1/8, प्रत्येक परमाणु कितना भाग होता है कोने पर 1/8, प्रत्येक परमाणु को कितना भाग होता है कोने पर 1/8, प्रत्येक परमाणु का भाग कितना होता है कोने पर 1/8। तो प्रत्येक परमाणु का जो भाग होता है आपका कोने पर 1/8 होता है। तो फॉर्मूला क्या है एसएससी में कणों की संख्या का, कोनों पर कणों की संख्या, तो कोनों पर कणों की संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो एसएससी, जो आपका एसएससी क्रिस्टल होता है उसमें कोने पर 8 परमाणु होते हैं, तो कोनों पर कणों की संख्या कितनी है 8, और इनटू एक कण का योगदान, यानी जो आपका कोने पर कण होता है उसका कितना भाग होता है, यानी जो आपका कोने पर कण होता है कोने पर कितना भाग होता है, तो मैंने बताया जो कोने पर कण होता है उसका 8वां भाग होता है, कितना 1/8 भाग। तो गुणा में क्या लिख देंगे 1/8, यानी प्रत्येक कोने पर परमाणु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपका क्या है घन है, क्रिस्टल जालक है, इसके कोने पर परमाणु 8 है, लेकिन जो कोने पर उसका योगदान है, जो कोना हिस्सा गिर रहा है वो पूरा नहीं गिरता, वो कण कितनी जगह गिरता है कोने की 1/8 भाग। तो एक कण का योगदान का मतलब है, यानी जो कण है वो कोने पर कितनी जगह गिर रहा है, तो कितनी गिरता है 1/8 भाग, 8 से 8 कैंसिल हो गया, बराबर क्या आ गया 1। तो एसएससी में कणों की संख्या क्या हो गई आपकी 1। तो आपको याद रखना ये न्यूमेरिकल में काम में आएंगे, एसएससी में कणों की संख्या, एसएससी में कणों की संख्या कितनी होती है आपकी, एसएससी में कणों की संख्या होती है 1। जो कणों की संख्या होती है इसको हम डिनोट करते हैं जेड से, तो जेड बराबर 1। तो एसएससी में जो कणों की संख्या होती है वो कितनी होती है 1। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करेंगे हम बीसीसी की। अब हम बात करते हैं दूसरी क्रिस्टल जाल, दूसरा क्या है बीसीसी, यानी आपका जो घनी होता है इसमें 3 होते हैं, एसएससी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 1। अब बात करेंगे बीसीसी की, तो क्या बात करेंगे बीसीसी की, तो बीसीसी की संरचना बनाते हैं। तो आपको पता है बीसीसी में क्या होता है आपका, प्रत्येक कोने पर तो सब में ही परमाणु होते हैं, तो प्रत्येक कोने पर कितने होते हैं 8 परमाणु होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एसएससी में क्या होते हैं प्रत्येक कोने पर परमाणु होते हैं, और अभी मैंने बताया था जो कोने पर परमाणु होता है वो पूरा नहीं होता, जो कोने पर जो भाग होता है जितनी जगह गिर रही होता है कोने का परमाणु उसका 8वां भाग गिर रही होता है, बाकी कुछ इधर लटको होता है, कुछ इधर लटको होता है और कुछ इधर लटको होता है। तो प्रत्येक कोने का परमाणु का जो भाग होता है वो 8वां भाग होता है, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 और 1/8। बीसीसी का जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें क्या होता है कि प्रत्येक कोने पर तो परमाणु होता है,
लेकिन उसके साथ साथ कहाँ होता है, केंद्र पर भी परमाणु होता है। तो आपका कहाँ होता है, प्रत्येक कोने पर तो परमाणु होता है, लेकिन उसके साथ साथ का परमाणु होता है, केंद्र पर भी परमाणु होता है। जो आपकी क्रिस्टल जालक होता है उसके केंद्र पर भी परमाणु होता है। तो ये आपका बीसीसी का क्रिस्टल जाग है, इसके प्रत्येक कोने पर तो परमाणु है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी बीसीसी का क्रिस्टल जालक है उसके केंद्र पर भी परमाणु है। और ये क्या है, केंद्र। तो किसी चीज जैसे गोला है आपका, गोले के केंद्र पर मैंने परमाणु, गोले का केंद्र ही तो होगा सेंटर। अब यहाँ कोई परमाणु रखूंगा तो कोई लटकेगा, क्योंकि इधर लटक रहे हो, इधर लटक रहे हो, इधर लटक रहे हो, बिल्कुल पूरा का पूरा आएगा। तो जो चीज़ केंद्र पर होती है, किसी चीज़ के सेंटर पर, वो पूरी की पूरी होती है, न इधर लटकी होती है न इधर लटकी, क्योंकि सेंटर का मतलब क्या होता है, बीच। तो जो परमाणु होगा बिल्कुल क्या होगा, बीच में होगा। तो ये बीसीसी क्रिस्टल जालक की संरचना हो गई। अब बात करते हैं हम इसमें कणों की संख्या की। तो मैंने क्या बताया था, कणों की संख्या को क्या कहते हैं हम, जेड। तो कोनों पर कणों की संख्या, तो कोनों पर कण कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये तो माना जाए ये क्या है, बिल्कुल बीच में। तो इंटू आठ, और बीच में क्या लगाए, गुणा, और इंटू एक कण का योगदान। तो जो कोने पर कण होता है, योगदान का मतलब कितना उपस्थित होता है, तो कितना भाग उपस्थित होता है, एक बटे आठ, बाकी इधर उधर लटक रहा होता है। तो इंटू एक बटे आठ, आठ से आठ कैंसिल आ गया, तो जेड बराबर कितना आ गया, एक। लेकिन इसमें कोनों पर तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ एक परमाणु होता है, एक परमाणु का होता है आपका बिल्कुल केंद्र पर। तो केंद्र पर परमाणु, केंद्र पर परमाणु, तो केंद्र पर परमाणु कितने होते हैं आपके बीसीसी में, एक। तो केंद्र में परमाणु होता है आपका एक, एक और एक क्या हो गया, दो। तो जेड बराबर कितना हो गया, दो। तो आपका जो बीसीसी संरचना का क्रिस्टल जालक होता है गणीय का, उसमें जो परमाणु की संख्या वो कितनी होती है, दो। एक परमाणु तो कुल कोने का होता है, यानी कोनों पर आठ परमाणु, और जो जगह गिर रहे होते हैं उसका एक बटे आठ भाग गिर रहा होता है, तो कितना आ गया, एक। और एक पूरा रखा होता है बीच में, तो एक एक कितना हो गया, दो। तो बीसीसी संरचना का जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें परमाणुओं की संख्या यानी कणों की संख्या दो होती है, और एसएससी में आपकी कितनी होती है, एक। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं एफसीसी की। अब बात करते हैं हम एफसीसी क्रिस्टल जालक की, और उसमें देखते हैं कि परमाणु कितने उपस्थित होते हैं एफसीसी क्रिस्टल जालक की। ये भी किसका है, आपका गणीय का है। तो आपको पता है सब में कोनों पर तो परमाणु उपस्थित होते ही होते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो ये आपका एक क्रिस्टल जालक है, इसमें क्या है, कोने पर परमाणु उपस्थित है आठ, और प्रत्येक भाग कितना गिर रहा होता है, एक बटे आठ भाग गिर रहा होता है। लेकिन एफसीसी का क्रिस्टल जालक कैसे होता है कि कोने पर तो परमाणु उपस्थित होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ फलक के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं। और फलक के केंद्र का मतलब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इधर इधर। तो एफसीसी क्रिस्टल जालक क्या होता है, प्रत्येक कोने पर तो परमाणु उपस्थित होते हैं, कोने कितने आठ, तो आठ कोनों पर तो आपके परमाणु उपस्थित होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे हम एफसीसी क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो उसके प्रत्येक कोने पर तो परमाणु उपस्थित है लेकिन फलक पर नहीं है। तो फलक के केंद्र पर ये, दूसरा फलक ये इसके केंद्र पर एक परमाणु, तीसरा फलक ये इसके केंद्र पर एक परमाणु, चौथा फलक ये और एक इसके केंद्र पर आपका परमाणु। तो ये चार हो गए, पांचवा आपका ये और छठा आपका ये। तो ये क्या है आपका एफसीसी संरचना क्रिस्टल जालक कैसे कहते हैं, जिस क्रिस्टल जालक के प्रत्येक कोने पर तो परमाणु उपस्थित होते हैं लेकिन उसके साथ साथ फलक के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे एफसीसी का क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कणों की संख्या। तो आपको पता है जो कोने पर परमाणु उपस्थित होता है उसका एक बटे आठ भाग क्या होता है, उपस्थित होता है, बाकी इधर उधर लटक रही होता है। इसी तरह जो आपका फलक पर, फलक के केंद्र पर परमाणु उपस्थित होता है उसका जो भाग होता है एक बटे दो होता है, यानी जो फलक के केंद्र पर परमाणु आता है, इसकी जो संरचना देखी है हमने, उसमें देखा है हमने कि जो आपके फलक के केंद्र पर परमाणु होता है उसका एक बटे दो भाग एक फलक पर आया हुआ होता है, यानी आधा भाग वो आया होता है, कुछ इधर लटक रही होता है और कुछ इधर लटक रही होता है। तो आपके इसके कितने फलक हैं, छः। तो प्रत्येक फलक का कितना परमाणु आता है, एक बटे दो, यानी आधा भाग आता है, आधा क्या होता है, लटक रही होता है, ये आपको याद रखनी है। तो एफसीसी में परमाणु की संख्या क्या होती है, जो कोने पर परमाणु होता है उसका एक बटे आठ भाग उपस्थित होता है, बाकी इधर उधर लटक रही होता है, और जो फलक के केंद्र पर परमाणु उपस्थित होता है उसका आधा भाग होता है, यानी एक बटे दो भाग होता है, बाकी थोड़ा इधर उधर लटक रहा होता है। अब हम देखते हैं एफसीसी में कणों की संख्या।
तो पहला ही तो यही है कोनों पर कणों की संख्या, तो कोनों पर कण कितने, कण कितने हैं कुल 8 इंटू एक कण का योगदान, यानी जो कोने पर कण उपस्थित है उसका कितना भाग कोने पर है, तो कोने पर कितना होता है 1/8। तो जेड के यहाँ पर कितने निकले हैं, एफसीसी में कणों की संख्या जेड बराबर 1 आ गई। लेकिन इस जो आपका एसएससी होता है उसमें ही केवल कोनों पर होते हैं, एफसीसी में थोड़ी नहीं, एफसीसी में कोनों पर भी होते हैं, उसके साथ साथ फलक के केंद्र पर भी होते हैं। तो अब देखते हैं 6 फलक के केंद्रों पर कण, 6 फलक के केंद्रों पर कण। तो आपको पता है इसके 6 फलक हैं, 6 फलकों पर कितने परमाणु होते हैं, 6। तो 6 फलकों पर परमाणुओं की संख्या 6, जैसे हमने इसमें देखा कोनों पर परमाणुओं की संख्या 8 और योगदान देगा कितना था 1/8, तो 8 × 1/8 ऐसे इसी तरह फलक कितने हैं 6, तो 6। अब देखेंगे प्रत्येक फलक पर जो परमाणु है उसका कितना हिस्सा है, कितना भाग है, तो मैंने बताया जो आपका फलक के केंद्र पर परमाणु होता है उसका जो भाग होता है 1/2 होता है, तो गुणा 1/2, 2 से ये कितनी बार कैंसिल होएगा, 3 बार। तो 6 फलक के केंद्रों पर परमाणु कुल कितने होते हैं आपके, 3। 6 फलक के केंद्रों पर परमाणु, 6 फलक के केंद्रों पर परमाणु, तो यहाँ पर कितना है, 3। तो 1 होता है आपका कुल कोनों पर और 3 का होते हैं फलक के केंद्रों पर, तो कुल कितना हो गया, 4। 1 और 3 4, तो जेड की होती है परमाणुओं की संख्या। तो आपको पता चल गया जो एसएससी क्रिस्टल जालक होता है हमारा बीसीसी का, वो गणीय का, उसमें कोनों पर परमाणु कितने होते हैं एसएससी में, 1, और बीसीसी में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है आपकी, 2, और जो आपका एफसीसी होता है इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4। और इसको हम किससे दिखाते हैं परमाणुओं की संख्या को, जेड से। तो एसएससी में जो कणों की संख्या होती है वो होती है आपकी 1, और बीसीसी में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो होती है 2, और जो आपकी एफसीसी में कणों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 4। अब बात कर रहे हैं आप ईसीसी की, ईसीसी आपके में है नहीं है क्योंकि गणीय में आपके क्या होते हैं, 3, लेकिन हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। तो ईसीसी में क्या होता है आपका, प्रत्येक कोने पर तो आपके परमाणु होते ही हैं, बात कर रहे हैं ईसीसी की, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना भाग होता है, 1/8। तो ईसीसी क्रिस्टल जालक कैसे कहते हैं, जिसके प्रत्येक कोने पर तो परमाणु होते ही हैं लेकिन उसके साथ विपरीत फलकों पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, वो भी कितने, 2, उसे ईसीसी क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो 6 कोनों पर और 2 आमने सामने विपरीत फलकों पर, तो आप खुद देख सकते हैं फलक पर कोनों पर परमाणु कितने हैं, 8। तो यहाँ पर देख ले रहे हैं ईसीसी का कोनों पर परमाणु कितने हैं आपके, 8, और जो कोनों पर परमाणु होते हैं उनका भाग कितना होता है, उपस्थित 1/8। तो कोनों पर कितना आ गया, कुल 1, और 1 सामने वाले फलक, 1 इस फलक पर, 1 इस फलक पर, और आपको पता है फलक पर कितना आता है हिस्सा, 1/2 आता है, और सामने वाले पे भी 1/2, यानी जो आपका फलक होता है फलक पर जो परमाणु होता है उसका स्थान कितना करता है, 1/2, तो ऊपर वाले का नीचे वाले का 1/2 और ऊपर वाले का 1/2, दोनों को मिला के कितना होगा, आधा आधा 1, तो 1 ये और 1 ये, 1 कितना हो गया, 2। तो ईसीसी में कितनी होती है आपके कणों की संख्या, 2, ये आपको मैंने नॉलेज के लिए बता दिया है। तो आपको याद रहे एसएससी में कणों की संख्या 1, बीसीसी में कणों की संख्या 2, एफसीसी में कणों की संख्या 4 होती है, और ईसीसी में आपकी कितनी होती है, 2, और कणों की संख्या को हम जेड से दिखाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इससे रिलेटिव कुछ बेसिक बातें करते हैं। अब बात करते हैं हम इससे रिलेटिव बेसिक नॉलेज की। तो आपके ये गणीय एकक कोष्ठक के 3 क्रिस्टल लिखे हुए हैं, पहली क्या है एसएससी एकक कोष्ठक, दूसरी बीसीसी, तीसरी एफसीसी। तो इनसे रिलेटिव कुछ बातें, बातों पे डिस्कस करेंगे जो नॉलेज की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली क्या है, कोनों पर परमाणुओं की संख्या, यानी जो आपकी एसएससी, बीसीसी और एफसीसी होती है इन पर कोनों पर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो आपका जो एसएससी क्रिस्टल होता है आपको पता है इसमें कोने पर परमाणु कितने होते हैं आपको, 8। तो पहले एसएससी की बात कर रहे हैं, और चाहे वो बीसीसी हो उसमें भी कोनों पर परमाणु कितने होते हैं आपके, 8। तो चाहे वो कोई सी भी आपके एकक कोष्ठक हो, सभी में कोने पर परमाणु आपके 8 होते हैं, ये आपको बात मालूम है। अब जो कोनों पर परमाणु होता है, जो कोने का परमाणु होता है वो जगह कितनी घेर रही होता है, जगह कितनी घेर रही होता है आपका,
आठवां भाग, कुछ इधर लटक होता है, कुछ इधर लटक होता है और कुछ इधर लटक होता है, लेकिन जो उसका आपका भाग होता है वो कितना होता है, 1/8 भाग। तो SSC के जो प्रत्येक कोने पर परमाणु होता है उसका भाग कितना होता है, 1/8 भाग, बाकी थोड़ा इधर लटका होता है, थोड़ा इधर लटका होता है। तो 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 8 = 1 = 1 = 1। तो SSC में कोनों पर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है आपकी, 1। और BCC में भी कोनों पर परमाणुओं की संख्या कुल कितनी होती है, 1। FCC में भी कोनों पर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1। कोने पर परमाणु होते हैं 8, लेकिन उसका भाग कितना होता है, 1/8 भाग होता है। 1/8 का हमने 8 में गुणा करा तो हमारा कितना गया, 1। अब बात करते हैं फलक के केंद्र पर परमाणुओं की संख्या। तो पहले देखते हैं SSC में, SSC में केवल कोनों पर परमाणु होता है, फलक के केंद्र पर परमाणु नहीं होता। क्वेश्चन आ जाए कि फलक के केंद्र पर, SSC में फलक के केंद्र पर परमाणु कितने होते हैं, और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि 0, 1, 2, 3, तो आपको पता होना चाहिए कि SSC पर केवल कोनों पर परमाणु होते हैं, फलक के केंद्र पर होते नहीं है, होते नहीं है तो 0। इसी तरह आपका BCC में देखें, BCC में पूछ ले आपसे कि फलक के केंद्र पर परमाणुओं की संख्या, तो आपको बताए जो आपकी BCC एकक कोष्ठक होती है उसके कोनों पर परमाणु होते हैं और एक बिल्कुल सेंटर में होता है, बिल्कुल बीच है, बीच बीच है, बीच का मतलब ये आपका क्या है, सर्किल है, वृत्त है, और इसके केंद्र पर, जो केंद्र पर है वो बीच में, तो आपका जो BCC होता है इसके कोनों पर होता है और एक सेंटर में परमाणु होता है और फलक पर होता नहीं है। तो आपका BCC में भी फलक के केंद्र परमाणुओं की संख्या क्या होगी, 0। अब बात करते हैं FCC में, तो ये आपका FCC क्रिस्टल है। FCC क्रिस्टल कैसे होता है, जिसके प्रत्येक कोने पर तो परमाणु होता है लेकिन उसके साथ साथ फलक के केंद्र पर भी परमाणु होता है। तो फलक कितने होते हैं आपके, 6। और आपको पता है जो फलक पर परमाणु उपस्थित होता है वो पूरा नहीं होता, उसका आधा भाग होता है, यानी 1/2। तो गुणा 1/2, 2 × 6 = 3। तो SSC में जो कोनों पर परमाणु होते हैं 1, BCC में भी 1, FCC में भी 1, और फलक के केंद्र में परमाणुओं की संख्या SSC में 0, BCC में 0 और FCC में कितनी होती है, 3। अब बात करते हैं केंद्र पर परमाणुओं की संख्या। तो SSC में केवल कोनों पर होता है, केंद्र पर तो होता नहीं है, नहीं होता तो 0। अब बात करते हैं BCC में, तो BCC में क्या होता है आपका, BCC में जो परमाणु होता है आपके केवल कोनों पर होते हैं और एक क्या होता है, केंद्र पर। तो आपका केंद्र पर परमाणु कितने होते होते हैं, 1। SSC में होता नहीं है केंद्र पर, और आपका BCC में केंद्र पर एक परमाणु होता है, बिल्कुल सेंटर में। अब बात करते हैं FCC में, तो FCC क्रिस्टल आपका ये है। FCC में क्या होता है आपका, कोनों पर परमाणु होता है और उसके साथ साथ फलक के केंद्र पर होता है, किसमें होता है, फलक के केंद्र पर, लेकिन यहाँ के लिखा है केंद्र पर, तो इसके भी केंद्र में परमाणु होता नहीं है, नहीं होता तो 0। अब हम जोड़ लेते हैं कुल परमाणु, यानी कुल जेड का मान, यानी परमाणु की संख्या किसमें कितनी होती है, तो कुल परमाणु की संख्या क्या होती है, जेड। तो SSC में 1, 0, 0 कुछ नहीं, तो SSC में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1। और BCC में 1 और 1, 2। और FCC में 1 और 3, 4। तो ये बेसिक नॉलेज है जो आपके काम में आएगी। तो आपसे पूछ ले कोनों पर परमाणुओं की संख्या होता है SSC में 1, BCC में 1, FCC में 1, आई कैसे, कोनों पर 8 और जो स्थान गिरता है, भाग गिरता है, प्रत्येक परमाणु 1/8 भाग गिरता है। और फलक के केंद्र पर परमाणु की संख्या SSC में 0, BCC में 0 और FCC में कितनी होती है, 3। और केंद्र पर परमाणुओं की संख्या SSC में 0, FCC और BCC में आपकी 1 और FCC में 0। इसी तरह कुल परमाणुओं की संख्या SSC में 1 होती है, BCC में 2 होती है और आपकी FCC में कितनी होती है, 4। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम उसकी मैं आपको एंट्री दे रहे हैं, उसमें हम बात करेंगे संकुलन क्षमता की। किसकी बात करेंगे, संकुलन क्षमता की, वो भी संकुलन क्षमता किसमें देखेंगे हम, घनीय एकक कोष्ठका में, SSC BCC FCC। अब संकुलन क्षमता कितनी होती है, जो आपके कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं वो किसी क्रिस्टल जालक का कितना भाग गिरते हैं, यानी कितने परसेंट भाग गिरते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं। तो हम देखेंगे कि SSC में जो परमाणु होते हैं कितने परसेंट भाग गिरते हैं, जो BCC होता है उसमें कितने परसेंट भाग गिरते हैं, जो आपका FCC होता है उसमें कितने परसेंट भाग गिरते हैं। तो ये मैंने एंट्री दे दी है, इसकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।